भिंड में पूर्व जिला अस्पताल जो कि कायाकल्प में प्रदेश में नंबर वन हुआ करता था, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो आए दिन अनियमितता यहां पर पाई जा रही है। हाल ही में जिला अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा दवाओं की फेंकने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि आपको बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो में आवाज आ रही है कि वीडियो दिखाना नहीं तो फंस जाओगे। दवाओं को फेंकने की वजह कहीं ना कहीं कमीशनखोरी भी निकल कर सामने आ रही है। जहां एक तरफ मरीज शासकीय दवाओं को लेने भटक रहे हैं, तो वहीं कमीशनखोरी के चक्कर में जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाएं मंगवाई जाती हैं और ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। साथ ही दूसरी ओर कोरोना काल में बची हुई दवाओं को भी छुपाने के लिए कर्मचारी के द्वारा दवाओं को कुएं में फेंका गया। यदि दवाई एक्सपायर थी तो एक समिति बुलाने पर दवा का आकलन किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि फेंकी हुई दवा एक्सपायरी है, ये जांच का विषय है। दूसरी ओर सिविल सर्जन का कहना है कि बायो बेस्ड यूज होने के बाद कचरे को कुएं में फेंका गया है, जबकि बायो बेस्ड बेस्ट कचरा फेंकने के लिए लाखों रुपए की लागत से कचरा घर बनवाया गया है और जिम्मेदार डॉक्टरों के द्वारा कचरे को कुएं में फेंकने का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया कि सफाई कर्मियों के न आने पर बायो मेडिकल के ट्रेनरों के द्वारा कचरा फेंका गया है। कुल मिलाकर जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों ने इतनी बड़ी लापरवाही की है, अब देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ। बाड़ों से जो इंजेक्शन यूज हो गए थे वो फेंके गए थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि कचरा उठाने वाला कोई आया नहीं था। वो जो लड़के फेंक रहे हैं वो नए लड़के थे जिनको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है, बायोमेडिकल बेस्ड ट्रेनिंग की। तो मैं भी इसकी इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है, इंक्वायरी आने पर रिपोर्ट आपको दी जाएगी और जो भी अगर इसमें दोषी होगा उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दवाई तो एक्सपायर है नहीं, इसकी तो जाँच का विषय है अभी तो। और रही बात दवाइयों की उपलब्धता की, तो हमारे पास इस समय 248 तरह की ईडीएल उपलब्ध हैं और 328 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दवाइयों की कमी नहीं है, एक सिस्टम है। ये नए लड़के आए थे दो, इनसे बात इसीलिए पूछा जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग मिली कि नहीं मिली इनको बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट की। ये जो नीचे कचरा उठाने वाले कर्मचारियों के अभी दोषी हो जाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी।